सर जी
चार जनों रो सामूहिक दुर्लभम तरीके से हत्याकांड हुयो। मने इन घटना की जानकारी मैं इन परिवार भी सदस्य एक ही ढोणियो है। मने इन घटना की जानकारी सुबह 8 बजे मिली, 8:30 बजे कल सुबह मैं आठ आए गो। कल सुबह हूँ पूरी रात है त्या, सुबह 5 बजे गयो 2 मिनट घर जाना है। और मतलब दुर्लभतम से दुर्लभतम अपराध, हीनियस टू हीनियस ऑफेंस, इससे ज्यादा कुछ नहीं कानून की परिभाषा में। इतना बड़ो हत्याकांड हुयो, 30 साल की मेरी उम्र है, मैं जोधपुर के आसपास में कटी अड़ो हत्याकांड हुई। सब लोग आप भी आया, पुलिस प्रशासन आयो, जनप्रतिनिधि आया, सब लोगों की डिमांड ही, मांग ही, आक्रोश हो घटनाक्रम ने रखते हुए कि भाई एक परिवार हो, हंसतो खेल तो परिवार हो, में दो महिलाओं एक बच्ची 5 महीना री एक आदमी की निर्मम तरीके में हत्या कर दी, तो इन परिवार ने न्याय दिलना। न्याय यो हो कि मुलजिम, सबसे पहले तो मुलजिम गिरफ्तार होने चाहिए जल्दी से जल्दी, और दूसरा मुलजिम ने ऐसा कृत्य किस इंटेंशन से किया, उसके पीछे रीजन क्या था, वो सुराग मिले और पुलिस ने 1-2 घंटे में सारा मामला राज खुल गया। उसके बाद की बात थी कि परिवार को ज्यादा से ज्यादा सरकारी सहायताएं, आर्थिक हो चाहे सरकारी नौकरी हो, इन जो बच्चे हैं आश्रित इनको पुलिस सुरक्षा हो, और जो प्रकरण है उसका शीघ्र निस्तारण हो, और जो दोषी है उनको जल्दी से जल्दी सख्त से सख्त सजा हो, उसके लिए प्रशासन से वार्तालाप की जावे। ये भी सब मतलब डाणियों वालों के जो भी यहाँ आया उनकी सबकी यही डिमांड थी, तो हमने सबने एक मांग पत्र रखा, मांग पत्र बनाया। उस मांग पत्र की पहली मांग थी अपनी, प्रकरण में संलिप्त सभी मुलजिमानों को हत्या की धाराओं में अभियुक्त बनाए जाए। आरोपियों ने हत्या के बाद घर में आग लगा दी थी, जिससे मृतकों के आभूषण, गहने, अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया था, जिसका उचित आर्थिक मुआवजा अलग से दिया गया। ये पहली अपनी मांग थी। प्रशासन से रात को वार्ता हुई, इस मांग पर रात को सहमति बन गई थी और अभी भी सहमति बन गई है कि भाई जो भी मुलजिम है किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और ये सामान्य सी बात है कि पुलिस ऐसे प्रकरण में कहीं पर भी कोई बेईमानी नहीं करती, हत्या जैसे, और ये तो हत्या क्या, ये तो दुर्लभतम केस, तो सभी जो मुलजिम होंगे किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। थोड़ा बहुत भी अगर किसी का इनपुट आउटपुट है
इस जो मुलजिम के जो मुख्य मुलजिम इसके साथ उसका वो मुलजिम बनाया जाएगा। और जो नुकसान हुआ है जो जलकर राख हुए घरेलू सामान उनके लिए भी एक मूल्यांकन करेंगे भाई ये क्या है इसकी कीमत, वो मूल्यांकन के अकॉर्डिंग पैसे मिल जाएंगे आश्रित। दूसरी अपनी डिमांड थी मृतक के आश्रित दो पुत्र है हरजी राम है और रेवत राम उनको सरकारी नौकरी दिलाई जाए। इस बात पे चर्चा हुई कलेक्टर साहब से, रात को अभी भी कलेक्टर साहब से चर्चा हुई तो सरकारी नौकरी का तो इन्होंने बोल दिया भाई कोई प्रावधान नहीं इस तरह सरकारी नौकरी न तो कभी किसी को ऐसे हत्याकांड में मिली है न मैं कोई कमिट करूंगा। और संविदा कर्मी के रूप में इन दोनों बच्चों को नौकरी का और क्या क्या ये दिलवा देंगे ठीक है। तीसरी बात थी हत्याकांड में संलिप्त आरोपियों की जमीन कुड़क करके उस जमीन को गोचर श्रेणी की किस्म में डाला जाए, ये मानने जैसी बात नहीं है क्योंकि खातेदारी लैंड है, खातेदार का हक होता है और कलेक्टर साहब ने मना कर दिया भाई इस प्रकार के हम किसी को जमीन है उसको कुर्क करके सोचना नहीं। तो ये मांग अपनी वैसे भी मानने जैसी नहीं थी फिर भी अपन ने जो आक्रोश था उस आक्रोश के हिसाब से लिखा लेकिन ये बात अपनी वही और मानने जैसी भी नहीं है, इस बात को कोई इश्यू भी नहीं बना। चौथी मांग थी मृतकों के जो शव है उनका अंतिम संस्कार आरोपियों की जमीन के अंदर करने की अनुमति दी जाए। तो अंतिम संस्कार शवों का यही होगा ये बात मान ली गई। पांचवी बात है इस प्रकरण को दुर्लभतम श्रेणी का अपराध मानते हुए आश्रितों को स्पेशल इकोनॉमिक्स पैकेज विशेष आर्थिक पैकेज 1 करोड़ की अपन ने डिमांड की थी। इस डिमांड में अपने को कोई सहायता नहीं मिली है ना मिलेगी, केवल और केवल पीड़ित प्रतिकर स्कीम है 2011 की जिसमें कोई भी विक्टिम होता है उसको चाहे हत्या से विक्टिम हो चोर से हो बलात्कार से हो उसमें विक्टिम को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से पैसे मिलते हैं, वो पैसे उसमें कलेक्टर साहब है जो उस विधिक सेवा प्राधिकरण कमेटी के मेंबर है चेयरपर्सन है जो डिस्ट्रिक्ट जज है तो इसमें कलेक्टर साहब ने कहा है जो भी मैक्सिमम होगा मैं वो करूंगा और ये सहमति बनी मैक्सिमम होगा मतलब लमसम आप मान सकते हो 1500 वो कलेक्टर साहब ने कहा मैं अपनी करूंगा। और ये कलेक्टर साहब का तो मतलब दिलवाने का कहने का मतलब ये है कि भाई मैं मैक्सिमम दिलवाऊंगा बाकी ये तो अपना हक है कानून के तहत लेने का, कलेक्टर साहब मना भी कर दे तो कलेक्टर साहब रोक नहीं सकते इस बढ़ती पीड़ित भर्ती कर स्कीम को लेने से अपने ठीक है। ये तो हत्या का केस था इसलिए पीड़ित है, ये कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई मैं मैक्सिमम करवाऊंगा बाकी अदर केसेज होते हैं उनमें आवेदन खुद ही करता है पीड़ित और खुद ही पैसे। तो इस जो सबसे डिमांड थी इस परिवार को आर्थिक मदद मिले सरकार की तरफ से प्रावधानों के अतिरिक्त जाकर संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार पे, वो सरकार की ओर से कोई संवेदनशीलता नहीं दिखी और प्रावधानों के अतिरिक्त 1 रुपये का भी कोई आश्वासन नहीं मिला। और इस बात पे हमने परिवार से कहे थे हमसे मैं भी परिवार का हिस्सा हूँ और पूनाराम जी के ससुराल वाले जो मत का थी टापू देवी उसके पीर वाले सब मिटे बैठे थे तो हमने सबने चर्चा की सभी की एक राय हुई भाई कितने दिन बैठेंगे आके पैसे के लिए और कौन गारंटी लेता है कि पैसे दिलवा देंगे और धरना चालू रखो ये बात वहां हुई। कोई गारंटी लेता है सरकार से पैसे दिलवाएंगे चंदा नहीं दिलवाएंगे तो हमें लिख को दो हमें धरना चालू रखेंगे, तो जितने भी जनप्रतिनिधि थे उन्होंने कहा गारंटी हम किसी चीज की नहीं देंगे। हाँ मदद इस परिवार की करवाएंगे नारायण जी ने बोला था 50 लाख रुपए मदद हम करवाएंगे तो चाहे सरकार से करवाएं चाहे चंदे से करके हम कोई इकट्ठे करके दिलवाएं तो परिवार जनों ने कह दिया हमें चंदे का रुपया चाहिए नहीं जो भी हमारे मेंबर थे हमें तो चाहिए तो सरकारी मदद चाहिए 1 रुपया भी किसी का
परिवार को आर्थिक मदद के तौर पर चंदे के रूप में नहीं चाहिए। तो ये सारी बातें अपनी हो गई, न तो चंदे की बात हुई, न कोई आर्थिक पैकेज की बात हुई। लास्ट जो अपनी डिमांड है, प्रकरण में शीघ्र अनुसंधान कर विचारण हेतु फास्ट ट्रैक अदालत को सुपुर्द किया जाए। वो एसपी साहब से डिटेल से बांध, वो उन्होंने एक निश्चित कोई समय नहीं दिया, लेकिन अपन भी समय नहीं दे। वैसे तो 90 दिन का टाइम है पुलिस को चार्जशीट फाइल करने का, कोर्ट में मुलजिम गिरफ्तार हो जाता ना उसके उसी दिन से 90 दिन गिन के चालू हो जाते, 90 दिन में पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी होती। लेकिन एसपी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा मैं हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए शीघ्र शीघ्र 20-25 दिन में चार्जशीट फाइल कर दूंगा और बोल विचारण हेतु सुपुर्द। ये बातें सारी हुई, उसके बाद शवों के अंतिम संस्कार के सहमति बनी और आप सब लोग यहाँ आए कल से बैठे हो। मैं पारिवारिक सदस्य है कि होने के नाते आप सबका धन्यवाद देता हूँ।
दोस्तों अभी अंतिम संस्कार किया जाएगा और पूरी बारिश आ गई और पूरा टेंट वगैरह था वो पूरा नीचे गिर चुका है। जो भी मांगे थी जिस हिसाब से रखी उस हिसाब से कोई भी संतोष जनक मांग नहीं मानी गई थी।